हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू क्रिएटिव लर्निंग सेंटर एंड एक्सटीरियर डिजाइनिंग वेयर यू कैन लर्न एवरीथिंग अबाउट द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइनिंग फ्रॉम द एक्सपर्ट सो लेट्स स्टार्ट द क्लास और आज के क्लास में हमारे पास हमारे एक स्टूडेंट का फाइल है जिसे हमें थोड़ी सी लाइटिंग करनी है लाइटिंग करके दिखानी है हालांकि मैंने इसमें थोड़ा सा लाइट यूज करा था सो so, फटाफट हम इसमें से जो भी हमने लाइट डाल रखी हैं वो लाइट डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर समझ आए कि एग्जैक्टली exactly यहाँ पे क्या चल रहा है ठीक है क्योंकि मे भी इसमें से बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो मिस हुई होंगी मे भी बहुत सारी चीज़ें मिस रही होंगी तो मैं सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ ठीक है यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और ये हमारा परस्पेक्टिव है इसे हम कर लेंगे F3 थ्री यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा अभी अगर आप यहाँ पे कैमरे में आकर अगर रेंडर मारोगे ना तो मे भी आपको कुछ रेंडर फाइल मिसिंग दिखाएगा देखिए ये बोल रहा है कि बिट मैप जो कनेक्टेड टू वॉल ड्रॉप वॉल ड्रॉप में जो भी बिट मैप है वो गड़बड़े तो कोई बात नहीं है हम एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए हम एम प्रेस करते हैं यहाँ पे और एम प्रेस करके ये जो भी हमने मिरर Uh, एक लगाया और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें लगाई गई हैं तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको क्लिक करता लेता हूँ आई थिंक ये वो है, yeah. so, है या सो वो वाली जो सिस्टम है वो या दिस वन तो ये सब जो मैप इसके अंदर लगा है ना ये मैं क्या करता हूँ वो स्टैंडर्ड ओके तो मैं क्या करता हूँ कि ये सारी जितने मैप हैं पहले इन सबको डिलीट करो एंड राइट क्लिक करो और इसको पहले यहाँ पर सेलेक्ट करने का और साइन टू मटेरियल कर देने का

ठीक एंड बिट मैप देने के बाद मैं यहां से ले लेता हूं उडन 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 हमें जाना चाहिए डाउनलोड में जहां पे वो है आ, रूम इंटीरियर ये वाली सो so, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसने कुछ टेक्सचर्स आई थिंक रखा हुआ है सो टेक्सचर मटेरियल है यहाँ एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे फ्लोर टेक्सचर है बहुत सारी चीजें फ्लारुड वॉल टेक्स्टर उड है क्या यहाँ पे बेड टेक्सचर्स वो ड्रॉप है नहीं वो भी नहीं है भाई टेबल मार्बल टो टोटो टोटो मुझे क्या करना होगा आ या सो दिस वन मैं ये ले लेता हूँ ये वाले ले लेता हूँ फिलहाल के लिए ये मैं अभी डाल देता हूँ वहां पर ठीक है ना अलवेडो तो ये मैं अभी यहाँ पे यूज करने वाला हूँ देखो ये वाली ये वाली टेक्सचर मैं यूज कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए लेकिन आ, मजा नहीं आवेगा वहां पे अगर फ्लोर टेक्सचर की बात करें तो चलो ये ये बेस्ट है लेकिन इसमें क्या है ना कि अभी आपका फ्लोर पे भी सेम टेक्सचर है तो आप ये वाला टेक्सचर देंगे तो आपको मजा नहीं आएगा जी तो उसके लिए आपको क्या करना है कि या दिस वन दिस वन इज गुड चलो ये मेरे लिए सही है अभी मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ और यहाँ पे ये आ गया ठीक है एंड अभी ये भी जो जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं उसको आप सिंपली uh, यहाँ से जाके आप इसको कर दो लाइक like, uh, क्या यू वी डब्ल्यू मैप ठीक है सिंपल आ गया एंड अभी आप बॉक्स कर लो तो देखो ये सारे के सारे सीधे हो गए ठीक है और अगर आप इनको छोटे बटे करने हैं तो एम प्रेस कीजिए यहाँ जाइए और इनकी जो टाइलिंग है वो टाइलिंग आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो अभी परफेक्ट आपको दिखेगा और इसने जो ये वॉल में डाला है ना आई थिंक ये सीमेंटेड डाल रखा है सीमेंट जैसा कुछ इसने डाला हुआ है यहाँ पे वॉल में तो मुझे ना ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए होगा सीमेंट वॉल मतलब मजा नहीं आएगा यहाँ पे खैर जो भी है अभी हमें इस पे ज्यादा टेक्सचर्स पे फिलहाल ध्यान नहीं देना है मुझे लाइटिंग मेन यहाँ पे करनी है तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे और आकर देखिए एक बार इसको रेंडर मार लीजिए तो रेंडर मार देखोगे तो ये देखो हमने बैकग्राउंड में यहाँ पर एक लाइट दे रखा था और देखो ये काफी बढ़िया यहाँ पे अभी फिलहाल आ गया सो तो हमें जो काम करना है ना वो लाइट पे करना है ठीक है तो मैं इन सबको बंद करता हूँ एंड वापस आते हैं इधर और भाई साहब इधर कहीं ना कहीं कोई लाइट शायद है जिसकी वजह से यहाँ पे आ रहा था तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाली एक लाइट तो मैं क्या करता हूँ इन सबको बंद कर देता हूँ देख लो सबको पहले बंद करो सो so, पे मुझे कोई लाइट नहीं दिख रहा है लाइट पे क्लिक कीजिए तो कोई भी लाइट नहीं है मैं uh, भी इसने रेंडरिंग एनवायरमेंट के अंदर में कोई मैप दे रखा होगा नहीं जी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे मैप सो फिर ये लाइट कहाँ से आ रही है एंड सो या रेंडरिंग में जाएंगे ना तो रेंडरिंग में भी आपको रेंडर सेटअप में जाना है ठीक है एंड रेंडर सेटअप में जाएंगे एंड रेंडर के अंदर अगर जाओगे तो देखो यहाँ पे मैप दिया हुआ सी दिस इज द मैप सो यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है जिसकी वजह से ये चीजें आ रही हैं ठीक है ठीके? तो हमें क्या करना है कि हमें फिलहाल इसके ऊपर पूरी लाइटिंग करनी है और एकदम परफेक्ट लाइटिंग करनी है ठीक है ना तो ये हमारा ग्लास है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा जो ग्लास है लाइक ग्लास इस साइड से सा आ रही होगी यस yes, ग्लास इस साइड से सा आ रही है तो मैं क्या करने वाला हूँ इसको ऐसे बड़ा कर लेता हूँ और सीधा यहाँ पे जाएंगे एंड लाइटिंग एंड देन अरनॉल्ड एंड अरनोल्ड लाइट एंड क्वाड लाइट ले लीजिए और क्वार को मैं कर देता हूँ डिस्टेंट क्योंकि हमें थोड़ी सी लाइट वैसी वाली लेनी है शो मैं ले, ले लेता हूँ लाइट ऐसे है। ठीक है बस अब आपको यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे आके आप इसको ऐसे उठा लीजिए तो देखिए एक लाइट यहाँ से आ रही है और इसको पकड़ के मैं कर लेता हूँ इधर कुछ ऐसे हमने एक लाइट दे दिया अब इसको रेंडर मार के देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर से लाइट आनी शुरू हो गई है एंड वन मोर थिंग कि सबसे पहले आपको जो सेट करना है वो है कैमरे का एक्सपोजर आई थिंक यहाँ पे बहुत ज्यादा दिया हुआ होगा आठ दिया हुआ है तो हम इसको फिलहाल छ रखते हैं इस को सिलेक्ट करेंगे और इस लाइट एक्सपोजर को कर देंगे फोर एंड देन यहाँ पे आइए और यहाँ से आकर ले लीजिए रेंडर तो ये देखिए जैसे ही मैंने इस लाइट को फोर किया एंड कैमरे की लाइट को थोड़ा सा एडजस्ट किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत अच्छी लाइट देखने को अपने को मिल रही है अब चूंकि बाहर में ये बैकग्राउंड है ठीक है चूंकि बाहर में ये बैकग्राउंड है तो हमें यहाँ पे जो लाइट की कंडीशन है उन्हें भी थोड़ी सेट करनी होगी लाइक यहाँ पे थोड़ा लाइट उसका आना चाहिए इफेक्ट तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे अगेन लाइट में आइए आप एंड लाइट में आकर आप यहां से ले लो लाइक जस्ट क्लिक आप इसको कहीं भी क्लिक कर सकते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे आप कर लेना मैप एंड देन गो टू बिट मैप ठीक है और आप यहाँ पे आइए सो so, अगर आप इस रूम डिज़ाइन के अंदर में आओगे एंड देन अगर टेक्सचर में जाओगे तो मैं भी आपको यहाँ पे थोड़ा तो सा टेक्सचर कहीं तो मिलेगा एनवायरमेंट सो आई थिंक यही वाला है तो हम इसे ओके okay कर देते हैं और यहाँ पे भी ओके okay कर लेते हैं एंड uh, इसको हम कर लेते हैं टू लेट्स ओके ओके सो सी आपको यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखना है कि आपको एक बार पहले बाहर आना जरूरी है नहीं तो फिर आपको वापस वो लाइट क्रिएट हो जाता है तो यहां पे आइए और अभी देखो आपको लाइटिंग जो है बहुत ही ब्राइट मिल रही होगी बहुत ज्यादा ब्राइट आपको लाइट आना शुरू हो जाएगा तो ऐसा कैंसिल करो एंड वंस अगेन व्हाट यू हैव टू डू सिलेक्ट कीजिए और इसकी जो एक्सपोजर है ना ये इसको कर दो आप पॉइंट फाइव एंड देन सिलेक्ट एंड रेंडर So, अभी देखो लाइट यहाँ पे परफेक्ट आएगा अब एक चीज मैं बता दूं कि ये जो लाइट आपको यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है क्योंकि इसने क्या किया है कि आ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम छोटी सी है कि कैमरा यहाँ पे है और इधर का जो रूम है ना वो खुला है तो ऐसे रूम खोल के नहीं रखना होता है ठीक है अगर आप ऐसे रूम खोल के रखोगे ना तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी तो उसके लिए आपको क्या करना है कि भैया इसको पकड़ो एंड दिस इज बॉक्स एक्चुअली सो भाई साहब यहाँ पे गड़बड़ है ये थोड़ी सी मैं इन चारों को पकड़ता हूँ क्लिक करता हूं और कन्वर्ट टू एडिटेबल पोली कर लेता हूं ठीक है अब एडिटेबल पोली इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी हमें इसमें थोड़े से काम करने पड़ेंगे क्योंकि ये गड़बड़ है मतलब ये चीज आपको आपको थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा सो so लेफ्ट ले लेते हैं अभी एंड सेलेक्ट दिस एंड पुट ओके देन सेलेक्ट दिस एंड इसको भी सिलेक्ट करो और इसको कोशिश करो कैमरे से ऐसा रखने की एंड देन आप इसको सिलेक्ट कीजिए यहाँ भी जाइए एंड इसको सिलेक्ट करके इसको भी यहाँ लगा दीजिए ये आपको इंटीरियर डिज़ाइन में सीखने को मिलेगा इसकी बहुत ज़रूरी होती है अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग करोगे ना तो ये चीज़ आपको मिलेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ये काम कर रहे हो तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कैमरे को ना ले लेते हैं अंदर में और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि कैमरा मतलब कैमरा बाहर होगा तो और इधर वॉल कोई भी जब भी कोई घर बनता है ना तो उसमें एक बात का तो हमेशा ध्यान रखिएगा हमेशा कि वो कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए वो ब्लॉक ही होना चाहिए तो अभी आप देखिए यहाँ पे हमने इसको ब्लॉक कर दिया एंड बेहतर ब्लॉक किया है कि हमारे पास जो कैमरा है वो भी परफेक्ट है एंड अभी हमें कैमरे की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी देखिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और अगर मैं यहाँ से रेंडर विंडो खोलूँ तो ये जो आप लाइव देख रहे थे ना अगर अभी मैं यहाँ पे एक दूसरा ले तो आ, पे रेंडर ले लूँ तो आपको सॉरी यहाँ पे जाइए और यहाँ से आप रेंडर ले लीजिए तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि वो वाली जो लाइट की सिचुएशन थी वो अब नहीं आएगा यहाँ पे ठीक है एंड लाइट बहुत ही बिंदास अंदर आ रही है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये भी परफेक्ट है तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको वापस यहाँ पे जाना है ऊपर में, में एंड देन लाइट में जाइए एंड नॉन लाइट में जाइए और यहां से आपको ले लेना है एक क्वाड लाइट ठीक है एंड क्वार लाइट लेके आपको ओके सो मैं एक बार के लिए इसको डिलीट करता हूँ क्वार लाइट जब भी लोगे ना, तो यहाँ से लेना मतलब ये वाले में लो ऐसा क्योंकि हमें इसको जमीन पे दिखानी है ठीक है ऐसा ले लो एंड दिस इज अ फ्रंट ओके गुड नॉट नॉट एन इशू अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसको सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट करके इसकी क्वार की जो वैल्यू है वो बढ़ानी है अब आपको देखने को मिलेगा कि ये एग्जैक्टली exactly भाई कहाँ जा कहां रहे हैं, ठीक है तो अगर आप यहां पे आकर देखेंगे ना तो क्वाड जो है आपकी यहां पे है देखो ठीक है तो आप इसको मस्त बढ़ाओ What's happening? आर प्रेस करते हैं, इसको, इसे फिलहाल बढ़ा लेते हैं and we need to increase this one. अच्छा yeah. अगर मैं अब यहाँ पर एक चीज जो मैं बताऊँगा आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कभी भी ये काम कर रहे हो ना सो डोंट डू दिस मिस्टेक अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊँगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई साहब इसने जो एक बड़ी मिस्टेक करी हुई है वो क्या मिस्टेक है वो मैं आपको समझाता हूँ देखो अगर आप कॉर्ड लाइट की चौड़ाई देखेंगे ना ये तो कितना है मतलब मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब आपकी जो रूम है ना वो फोर्टी सेवन फिट चौड़ा है भाई साहब मतलब आप समझ रहे हो इतने में तो पूरा घर बन जाता है मतलब घर बन जाता है तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ठीक करूं जैसे अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ तो इसकी जो साइज अगर आपको देखना है जैसे सपोज कि ये रूम करेक्ट साइज में है कि नहीं सबसे पहले आप इंटीरियर बना रहे हो देन यू शुड टेक अ प्रॉपर साइज तो अगर आप देखोगे भाई साहब 103 फीट 17 फीट हाइट 103 फीट की चौड़ाई एंड 28 फीट की लंबाई तो आप समझ रहे हो कि ये घर नहीं है इसमें पूरा आपका शहर महल्ला बस जाएगा तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करना है ठीक है चलिए अभी फिलहाल तो मैं इसमें ठीक करता हूँ अब ये ऑब्वियस यही बात है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगी अगर जब आप इसको रेंडर वगैरह करोगे तो ऑब्वियसली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम लॉट ऑफ टाइम क्योंकि आपने इसकी जो साइज रखी हुई है ना वो बहुत ही गलत रखा हुआ है तो आपको ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ठीक है अभी हमने यहाँ पे कर दिया अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और जाकर यहाँ पे रेंडर मार देता हूँ इसको तो अगर आप रेंडर मारोगे तो घर में आपको लाइट बहुत अच्छा से देखने को मिलेगा ये देखिए ठीक है अब यहाँ पे अच्छा खासा आपको लाइट देखने को मिलेगा अब अगर उसको देखना है तो पूरा बार बार रेंडर मारने की जरूरत नहीं है रीजियन रेंडर पे काम कीजिए आप रीजियन रेंडर पे काम कीजिए तो ये पर्टिकुलर जगह का ही सिर्फ आपको रेंडर निकाल के दे देगा तो देखो आपका जो अंदर का घर है अंदर में भी ये बहुत अच्छी लाइट क्रिएट कर रहा है अब मुझे देखना ये होगा कि ये कितना लाइट क्रिएट कर रहा है मतलब बहुत ज्यादा अगर लाइट क्रिएट करता है तो हमें इसकी लाइट को थोड़ी सी डाउन करनी होगी ठीक है मुझे थोड़ी सी इसकी लाइट को डाउन करनी होगी तो एक बार सर रेंडर अच्छा एक बार और एक चीज चेक करते जब भी आप ऐसा टेस्ट रेंडर लेते हो ना सो ये देखो यहाँ पे इसको हाफ एच मैंने कर दिया था पहले ही तो आप ऐसा ही लीजिए ताकि ये फटाफट -फड़ रेंडर निकल जाए ओके बट बिफोर दैट मैं इसमें जाऊंगा इसमें थोड़ा सा ओ। भाई साहब गलत है इसको पकड़ो यहां से इसको थोड़ा सा नीचे लाओ मतलब सीलिंग के नीचे लाना आपको एंड देन गो टू दिस वन एंड देखो यहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज्यादा है इसको दो कर दो एंड देन सेलेक्ट दिस एंड रेडर तो अभी जो आपकी लाइट आएगी वो बहुत ही खूबसूरत सी लाइट यहाँ पे दिखेगी एकदम रियल लाइट दिखेगा आपको जो भी दिखेगा वो बहुत ही रियल दिखेगा ठीक है ये देखिए और इसका जो रिफ्लेक्शन है इसके अंदर भी बहुत बढ़िया जा रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो ये रेंडर होने में थोड़ा सा कि यहाँ पे लाइटिंग जो है बहुत परफेक्ट है बहुत ही परफेक्ट आ गया अभी लाइट uh, थोड़ी सी डार्कनेस इधर है बट आप इधर में uh, आपको बाकी की चीजें भी करनी पड़ेंगी और इस मॉडल में एक चीज और थोड़ा मिस्टेक है और वो क्या है और दूसरी चीज़ इधर से लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है तो इस लाइट को भी हमें कम करना है थोड़ा इधर से भी तो यहाँ पे एक एक चीज़ की थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि जब इस मॉडल को बनाया गया तो जब ये मॉडल बना ठीक है अगर आप इसके अंदर जाओ थोड़ा मैं इसके अंदर आ जाता हूँ देखिए जब ये मॉडल बना है ना कहाँ गया हाँ अगर मैं इसके अंदर आ जाऊँ अभी आ, कुछ तो रोक या जब मॉडल बना है ना तो आपने सीलिंग में कहीं पे भी कोई लाइट नहीं दिया है तो अगर आप लाइट सोर्स नहीं दोगे तो लाइट आप दिखाओगे कैसे सपोज ये डे डे लाइट है नाइट लाइट करोगे तो आपको लाइटिंग सोर्स चाहिए तो आपको ऊपर में लाइट की भी मॉडल करनी चाहिए ठीक है वो मॉडल आप कर देना तो आ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये है और इसमें लाइट की मॉडल नहीं है अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्टली exactly क्या है ये बेड का है यस ये बेड है चलेगा तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे एक और मजेदार चीज मैं आपको दिखाता हूँ लेकिन ये डे लाइट में मजा नहीं आएगा तो वो मैं आपको जब इसकी नाइट सेटअप करके दिखाऊंगा तो फिर मैं आपको वो दिखाऊंगा कि आपको वो कैसे करना है दूसरा चीज ये है कि आप इस लाइट को पहले पकड़िए और यह लाइट का कहां पर yeah, तो पक... यही है ना ओके भाई साहब ये है एंड तो मैं क्या करने वाला हूं कि मैं इस लाइट को थोड़ा सा इधर लाने वाला हूं इधर क्योंकि उधर ही मेन जगह है इधर तो कैमरा है तो लाइट मेनली इधर गिरनी चाहिए ठीक है तो ये हमने कर दिया अब बाहर की जो लाइट थी वो बहुत ज्यादा आ रही थी तो हमें बाहर की लाइट को कंट्रोल करनी है तो मैं उसको पकड़ूंगा और इस डिस्टेंट लाइट का जो ये है इसको हम कर देंगे थ्री एंड सैंपल एड कर दीजिएगा सैंपल एड करने से क्या होगा कि आपका जो लाइट है आपके जो भी लाइट्स है ना सारे लाइट्स के सैंपल आप तकरीबन आठ रखिएगा ये आपके फुटेज में डी को मतलब इसको नॉइज को आ, कम करता है तो वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और यहाँ पे मैं कर लेता आठ अगर आपका पी बहुत बढ़िया है तो आप सोलह बत्तीस सिक्सटी तक भी जा सकते हो टोटली डिपेंड यू राइट So, मैं एक बार और वापस आ, रेंडर करके देखता हूँ तो अभी मैं एक काम करता हूँ इसको कैंसिल करो और थोड़ा देर के लिए मैं इसका जो ये रेंडर है इसको हटा देता हूँ एंड लेट्स रेंडर होल सीन तो अभी हमें लाइट जो कन्फर्मेशन है ना वो हमें पता चलेगा कि हमें कितनी लाइट अभी कम ज्यादा करना है ठीक है सो यार लाइट कमिंग परफेक्ट बाहर की लाइट अभी भी थोड़ा ज़्यादा आ रहा है मतलब बाहर की जो लाइट है थोड़ी सी ज़्यादा है सो मैं एक बार के लिए कैंसिल करता हूँ सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि कैमरे को मैं पकड़ने वाला हूँ और कैमरा पकड़ के इसका जो हमारा एक्सपोजर है इसको आप दस कर दीजिए दस करिए अभी देखो थोड़ा सा ये अंधेरा हो जाएगा अभी जैसे आपने दस किया ना ये थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो अंधेरा होने के साथ साथ फिर मैं लाइट को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो अभी मैं क्या करता हूँ एक बार वापस इसको दस के इसको पकड़ते हैं की जगह रखो आट इस क्योंकि बाहर वाली चीजें भी देखनी चाहिए अब जैसे ही आपने इसको किया तो उसके साथ साथ आपको इसका इंटेंसिटी वगैरह भी बढ़ाना पड़ेगा तो मैं इसको पांच कर देता हूं इसको दो करता हूं और जब भी देखो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप लाइट कर रहे हो ना तो आपको सारी चीजें देखनी है एक एक करके देखनी है ये नहीं कि बस उठा और फटाफट फटाफट करना शुरू कर दिया सारी लाइट को एक साथ चेंज कर दिया कब भी मत करना ये बहुत बड़े बड़ी बहुत बड़ी मिस्टेक है सारे बच्चे यही करते हैं तो ये नहीं करना देखो अभी लाइट एकदम परफेक्ट आ गया अब यहाँ पे देखोगे ना थोड़ा तो ये जल रहा है तो ठीक करो पहले उसको पहले इस लाइट के साथ आप जो भी करना है उस लाइट के साथ कीजिए तो मैं इसकी एक्सपोजर कर देता हूँ फोर एकदम स्ट्रीट लाइट आनी चाहिए तो अभी अगर आप देखोगे तो आपकी लाइटिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है यहाँ पे अब देखो लाइट की जो सॉफ्टनेस है वो थोड़ा सा ठीक हो गया है अब इस लाइट में थोड़ा सा सॉफ्टनेस और हमें देना है अब ये लाइट डे है नाइट है मतलब डे है या फिर कितना टाइम का है वो सब देखना होता है अब आप यहाँ पे आओगे सैडो में एंड सैडो की जो डेंसिटी है कहा सैडो है डेंसिटी है आप इसको थोड़ा सा डिफ्यूज़ कर सकते मतलब इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम कर सकते हो लाइक इसको कर सकते आ, हो पॉइंट सिक्स इससे क्या होगा कि आपके जो सैडो है ना वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगा ठीक है देखो अभी सब देख सकते हो हमने डेंसिटी थोड़ी सी कम की लेकिन डेंसिटी कम में मजा नहीं आ रहा है तो हमें डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा के रखना होगा आप डेंसिटी वन ही रहने दीजिए एंड यहां पे इसकी जो इंटेंसिटी है ना जिससे हमने ये फोर किया तो इसको हम कर देते हैं वन एंड जरूरत पड़ेगा तो हम एक्सपोजर बढ़ा देंगे ये एडनॉल में ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी कि आप दोनों चीज़ें बैलेंस कर सकते हो ना उसी और देखो लाइटिंग जो है वो एकदम परफेक्ट आ रही है सब कुछ सही है बस ऊपर वाला लाइट जो है वो थोड़ा कम है ठीक है तो मैं ऊपर वाले लाइट को भी ठीक कर लेंगे भाई साहब ठीक करेंगे इसको ऐसा सेलेक्ट करेंगे हम एंड करके यहाँ पे एक्सपोजर कर दीजिए इसकी फोर एंड लेट्स हिट द रेंडर अभी देखो घर में लाइट एकदम प्रॉपर आनी शुरू हो गई है प्रॉपर लाइट आनी शुरू हो गई है तो एक बार इसको भी रेंडर करके देखते हैं और फिर समझते हैं कि एग्जैक्टली exactly हमें क्या करना है क्योंकि अभी यहाँ पे लाइट बाउंस वगैरह भी आपका करना जरूरी होगा तो वह सभी लेकिन फिलहाल अभी हम इसको करते हैं देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आने चाहिए तो एक बार पूरा रेंडर निकालता हूँ मैं सो so, यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अच्छा रेंडर हुआ है बस थोड़ा सा नॉइजी है थोड़ा सा नॉइजी है और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक लाइट दिख रही है इसका मतलब ये होता है आई थिंक कि आ, ये जो ऊपर का पोर्शन है मे बी ये जो सीलिंग वाला पोर्शन है अगर हम इस सीलिंग को सिलेक्ट करें तो आई थिंक सीलिंग जो है एक बार इसको आप पकड़िए And आपका सीलिंग जो है ना थोड़ा सा ऊपर है मे बी uh, ये तो सामने वाला पोर्शन है हमारा आई थिंक दिस वन तो ये सीलिंग जो है ना देखो थोड़ा सा बाहर है इसको थोड़ा सा यस yes, ये जो है ना थोड़ा सा बाहर था तो हमें इसको थोड़ा सा अंदर लेना पड़ेगा तो अभी अगर हम यहाँ पे आ, करें ना तो वो वाली चीज जो है नहीं आएगी देखो सो लाइट लिक्स वो लाइट लिक कर रहा था क्योंकि उसकी जो सीलिंग थी ना वो थोड़ा ऊपर में था ठीक है तो अभी आप देख सकते हो कि आपका जो लाइटिंग कंडीशन है वो बहुत फैंटास्टिक है क्लियर और दूसरा कि हम लोग यहाँ पे अभी बहुत ही Uh, कम जो इसका ये है विथ एन हाइट इसका रेंडर सेटिंग्स में वो बहुत हमने कम लिया हुआ इसलिए ऐसा हो रहा है चलिए एक बार कैंसिल करते हैं इसको एंड हमने एक बार कैंसिल कर दिया है okay. चलो अभी हम यहां पे जाते हैं रेंडर सेटअप में और थोड़ा सा चले जाते हैं यहाँ पे एंड्रॉ ये जो है अर्नोल्ड का रेंडर इसके अंदर और इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें सेटअप करी थी तो ये आप देख लेना ये ओवरऑल कैमरा का जो वो है उस उसमें काम करता है एंड अडेप्टिव सैम्पलिंग को भी आप ऑन करके रख सकते हो ये भी आपका जो नॉइज़ कैंसिलेशन है उसमें ये बहुत काम आता है एंड प्रोग्रेसिव रेंडर आपको करना है तो कर सकते हो लेकिन अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि अगर आपको जैसे देख रो इसको हमेशा कटमल रखना या मिच्छल भी रख सकते हो दीज आर रेंडर फिल्टर्स ये बहुत काम की चीज है 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 तो तो हमें हमें यहां से कटमल रखना क्लैंपिंग जो है, आप इसको चाहो ऑन तो कर सकते हो फिलहाल अभी हम आगे चल के फिर देखेंगे इसमें कि आपको क्या करना है लेकिन फिलहाल जो रेंडर सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ वो एकदम प्रॉपर यह है यहाँ पे फिजिकल बेस्ट रेंडर हो रहा है अभी हमारा एंड ये देखो यहां पे देख रहे हो एनवायरमेंट लाइटिंग इसकी भी सैंपल क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ानी होगी तो हम एड कर देते हैं और यहां पे बाकी सब ठीक है ज्योमेट्री इमेज में आओ और यहां पे आकर कर दो तुम एड uh, थोड़ा सा ये सीन भारी होगा क्योंकि uh, इसकी जो साइज है ना वो पूरा गलत है तो ये थोड़ा सा सीन थोड़ा भारी होगा क्योंकि ये जो इसका विदन हाइट है <coughs> उसका प्रॉब्लम है तो मैं बार देखते हैं यहाँ पे एंड स्के दबाओ क्योंकि यहाँ पे सेटिंग्स के थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो ये सारी चीजें आपकी आएंगी आई थिंक think... ये जो डिनोवाइजर लगा हुआ है ना इसे हमें चेंज करना है थोड़ा तो हमने इसको रिमूव कर दिया अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहां से लूंगा डीनोवाइजर ऑप्टिक्स ठीक है बस यहाँ का सेंट जो सेटिंग है बस इतना ही फिलहाल रखना है एंड यहाँ पे अगर आपको जरूरत पड़े तो आप और भी नॉइज ऐड कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब सॉरी अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप और भी लाइटें ऐड कर सकते हो लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा अगर okay, सो so, अभी आपको क्या करना है कि अभी आप यहाँ पे चाहो तो और भी लाइटें ऐड कर सकते हो जो आपको थोड़ा तो सा अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पे दैट इज एंड द पोर्टल लाइट सो आप यहां से कोई भी एक लाइट ले लो जैसे आप यहां से ले सकते हो क्वाड लाइट ठीक है ऐसा आप क्वाड लाइट ले सकते हो और क्वाड लाइट को यहाँ पे लगा दो लगा दिया अब इसकी जो है ना उसका पोर्टल ऑन कर लो तो पोर्टल ऑन कर लोगे तो ये पोर्टल की तरह ये काम करेगा और ये आपके थोड़े से लाइटिंग जो कंडीशन है आपका उसको ये थोड़ा इंप्रूव करेगा सो so, अब मैं क्या करता हूं, उसको करता हूं और इसको ऐसे घुमा लेता हूं घुमा लिया अब इस लाइट को आपको क्या करना है कि इसकी जो वेदन हाइट है वो थोड़ी ऐसे बढ़ानी है अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गया So, मैं कर देता हूं हंड्रेड ये पूरा कवर करना चाहिए ठीक है और 90 लाइक सेवेंटी एंड देन ये वाला पोर्शन पोर्सन कपड़ा ये वन हंड्रेड लाइक थ्री हंड्रेड ज्यादा हो गया ना टू हंड्रेड मतलब ये फिट पे आप देख रहे हो मतलब आपने टू हंड्रेड फिट की ये चीज बना रखी है तो इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी लाइट में अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे नज़दीक लाते देखो इधर देख रहे हो इधर थोड़ा सा आपको नजदीक लाना है एंड देन यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा लेना है थोड़ा इसके नजदीक में ही रखना है अब ये लाइट जो है ना ये पोर्टल लाइट है तो ये ऑटोमेटिकली लाइट को जॉब करेगा मतलब खुद ही ये लाइट अब क्रिएट करेगा यहाँ पे ठीक है देखिए ओके डन तो अभी मैं इसको ये कर लेता हूं एंड दिस इज माय पोर्टल लाइट तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड ये जो है ना इसको ही रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल ही रखो एंड लाइट्स से विजिबल्स जरूरत नहीं है कलर इंटेंसिटी आपको ये इससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पोर्टल लाइट आपने यूज किया हुआ है हम आते हैं यहाँ पे और इस लाइट की भी थोड़ी सी कंडीशन सेट करते हैं इसकी इसको थोड़ा आप पकड़ो और इसका जो ये सॉफ्ट एज ये देखो देख रहे हो तो इसका जो सॉफ्ट एज है ना इसको थोड़ा सा बढ़ा दो मतलब ये थोड़ा ये हो जाएगा लाइक ये क्या होगा कि अगर आप सॉफ्ट एज को नहीं ये वन इसका हार्डली है एंड क्या आप इसको पोर्टल बनाना चाहते हो नहीं बिल्कुल भी नहीं पोर्टल बनाना चाहते भाई हम तो हमें नहीं बनाना है और अगर आप यहाँ पे कोई कलर देना चाहते हो लाइक इसकी कलर सम टेक्सचर्स यूज कर रहे थे क्या यहाँ पे सो हमने टेक्सचर यूज़ किया हुआ है नहीं यहाँ पे टेक्सचर दिखा रहा है बट हमने टेक्सचर यूज़ नहीं करा है तो आप इसको अप्रीशियड्स भी यूज कर सकते हो लाइक यहाँ पे आप आकर फ्लोरशेंट्स जो भी लेना है आप ले सकते हो या फिर आप यहाँ पे सिंपल आ, क्या कर सकते हो कि इसको कलर ले सकते हो और कलर लेकर आपको जो भी कलर यहाँ पे देना है वो आप कलर दे सकते हो सो so, बाकी सब ठीक है साइडो का साइडो इज परफेक्ट एंड ये भी ठीक है परफेक्ट एस एस मैक्सिमम बाउंस भी दिया हुआ है ओके okay, परफेक्ट तो इस तरीके से आप इसका लाइटिंग डाल सकते हो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको एक बार के लिए सेव कर लूंगा एंड रेंडर सेटअप में जाऊंगा एंड देन इसको कर दूंगा नाइनटी ट्वेंटी थाउजेंड एटी सीधा नाइन्टी ट्वेंटी थाउजेंड एटी हम कर लेंगे एंड देन यहाँ से आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आगे कर लेंगे सो सेव फ्रेम तो ये हमारा एक्चुअल सेव फ्रेम है जिसमें हमारी चीज़ें दिखेंगी और आपको ऐसे ही निकालनी है तो एक बार इसको सेव करो सेव हो गया एंड देन आई एम गोइंग टू टेक फाइनल रेंडर जो कि डिनवाइस वगैरह होकर सब कुछ आएगा एकदम परफेक्ट तरीके से तो चलिए फिर रेंडर करते हैं और इसका फाइनल आउटपुट हम आपको दिखाते हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी ही वीडियोस अगर आपको देखनी है आपने आपने कोई फाइल बनाया है और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप वो फाइल भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं मैं आपके भी उस फाइल पर काम करूंगा और करके आपको फाइनल दिखाऊंगा हालांकि इसमें मटेरियल्स पे मैंने कोई काम नहीं किया है मटेरियल्स इसमें और भी अच्छा होगा और जितना मटेरियल अच्छा होगा लाइट उतनी अच्छी आएगी ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में बाय बाय टेक केयर